हेलो बात ना हो पाओ अपनी मजबूरी ना जा रही है अपनी मिट्टी ना हो पाई है ना हाँ इधर आई ये हालत है गांव वालों के साथ में। इन्होंने भैंसे छोड़ दी हैं, इनको ये आइडिया नहीं है कि क्या हो क्या रहा है, और कोई मना करने वाला नहीं है। ओ भैया ओ हेलो देखिए इन्होंने भैंसे छोड़ रखी हैं पूरे खेत में चरने के लिए। आप कितनी भी मेहनत कर लो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोगों का सहयोग चाहे किसी भी गांव में चले जाओ बहुत ही ख़राब है। लालच में ऐसे डूबे हुए इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। सबको पता है कि ये हम अपनी संस्था की तरफ से पैसे लगाकर गौ माता के लिए सब चीज़ें उगा रहे हैं, है ना, और ये लोग अपनी भैंसों को छोड़ दे रहे हैं। भैया आपकी भैंसे हैं केकर भैंसा ही भैंसा केकर आप लोगन का हाँ या सुनल जाए चुकावल जाए जवाब हो गया है हमारा। आप लोगों की भैंस है बेटा, कहाँ घर है आप लोगों का? हाँ जोर से बोलो खिमापुर। किसके घर के आप लोग, किसके घर के हो? घबराओ नहीं नारे, किसके घर के तो हो गए, माँ बाप का नाम तो होगा। नमस्ते बाबा, क्या हाल चाल है? ठीक है बाबा, आप लोग भैंस चला रहे हो, ध्यान रखिएगा इस खेत में ना जाए, है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे दूर से ऐसा लगा कि जैसे सारी की सारी इसमें चल रही हैं, हैं और हाँ नहीं नहीं बहुत बढ़िया काम है, है ना, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ। एक आदमी देखो वहाँ बैठा हुआ। अच्छा है ना, आइए उधर ही चलते, छाव में चलते हैं। तुम घबरा क्यों रहे हो, अपना नाम बताना। इतना प्यारा नाम रखा होगा किसी ने, और उस पर हर हर साल तुम जन्मदिन मनाते होगे ना। नाम नाम बनाने के लिए होता, छुपाने के लिए नहीं होता है। वो बेचारा घबरा गया, नाम पूछ ले कोई तुमको पकड़ के पीटेगा थोड़ा ना, बल्कि मैं अकेला आया हूँ तुम मुझे पीट दोगे क्यों बाबा, सही बात है ना। वो एकदम डर गया, मैंने पूछा नाम बताओ, पिता का नाम भी नहीं बता रहा है। यार ठंडी रखू बे, थोड़ा सा हरियाली आ जाएगी ना बरसात से। यहाँ कोने कोने पर चराए, जब मैंने दूर से देखा तो मुझे लगा कि सारी भैंसें जो है मेरे हमारे 10 बीघे के खेत में थी और सारा बाजरा चर जाएंगे, ऐसा मुझे एल्यूशन हो गया, नज़र का धोखा हो गया। लेकिन जब नज़दीक आया तो देखा कई लोग यहाँ पे लगे हुए थे और एक खाली ज़मीन पे अपनी भैंसें चरा रहे थे, तो नज़र का धोखा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बारिश हो और थोड़ा अच्छा इसमें जमा और काम और बढ़ जाए। ये वो भैंसें जिनको देख के मैं भाग कर आया था। हो जाता है ऐसा, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, बरस जाते तो हमारे गौ माता के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता। ये एक अच्छी सी गाय है गंगा तेरी, वाइट कलर की, इसको ज़रा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये छुट्टा ही ऐसी घूम रही है, इसको अगर घर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। जो है चारों तरफ पौधारोपण चल रहा है, ये डीडी लोग यहाँ से पानी ले जा रही हैं,
जो हमने पानी यहाँ पे लगा रखा है उसमें से ये पानी ले जाकर यहाँ से और इस तरीके से दीदी लोग जो है वृक्षारोपण कर रही हैं इस वक्त। दीदी इस पे भी पानी डाल देना, जो पौधे हैं ना लगे इन पे भी डाल दीजिएगा। ये पौधा रोपण हुआ है। पेड़ लगाने की जिम्मा पेड़ पौधे पानी सारा चीज उन्हीं को दिया जाए, देखिए उसका फल भी होगा, वो भी समूह को ही जाएगा। पेड़ पौधे सूख जा रहे हैं वो भी जो है इन्हीं लोग को ही जाएंगे। ऊपर वाले भी खूब मजाक कर रहे हैं, आवाज़ तो इतनी तेज आ रही है कि जैसे आंधी तूफान और बारिश से डूब जाएगा। धरती प्यासी है, धरती मांग रही है, पानी गिरने का नाम नहीं ले रही है। आज मैं यहाँ पे स्वतः रुका हूँ कि इस बारिश का देख सकूँ कि इस ढांचे का क्या इस्तेमाल है, जो बुनियादी स्ट्रक्चर सरकार ने मुझको दिया है उसके बारे में जान सकूँ और लोगों को बता सकूँ। लेकिन यह बारिश भी नहीं हो रही है, यह बारिश भी जो है सरकार की तरह हो गई है, जो यहाँ पे जो विभाग लोग हैं उनकी तरह हो गई है कि जो बुनियादी ढांचा है उसका पोल खुल रहा है। यहाँ पे बैठा हूँ, बारिश हो रही है लेकिन बूंदाबांदी हो रही है, वो इतनी बारिश नहीं हो रही है। और यहाँ पे जो भी है ये चेक किया जाए कि भाई पानी कितना गिर रहा है, क्योंकि देखेंगे कि पूरे छत में छेद हो रखा है इस बारिश में। ये देखिए पूरा छेद हो रखा है, ये बुनियादी ढांचा मुझे दिया गया है, टूटा फूटा बुनियादी ढांचा, पूरा छत अंदर से झाँक रहा है, पूरा गैप है। देखिए ज़रा ये गौशाला, इस तरीके का बुनियादी गौशाला दिया गया है, इसकी जांच भी अगर हो जाए तो भी अच्छा है, पता तो चले कि आखिर इसको ऐसा क्यों बनाया गया है। इसको जिस जेई ने पास किया है, जिस लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, उनके बारे में पता चल सके कि उन्होंने कैसे बना के इस बुनियादी ढांचे को। देखिए पूरा छेद है, पूरा छत टूटा पूरा है। इस तरीके से एक बूंद तो गिर नहीं रही है, लेकिन ये देखिए ये ढांचा है, इस बारिश में ये कहाँ टिकेंगे। देखिए थोड़ी सी बूंद गिरी है और पूरा बूंद यहाँ नीचे गिरने शुरू हो गया है, इतनी सी बूंद में ये पूरा छत फटा हुआ है, यहाँ से लेकर आखिर तक पूरा छत फटा हुआ है, कोई छत सुरक्षित नहीं है। ऐसे में गौशाला के आप क्या उम्मीद करते हैं, कैसे एक संस्था इसको चला पाएगी। बुनियादी ढांचा बनाने में ही प्रशासन की लापरवाही यहाँ पे नजर आ रही है। ये हालत है बारिश का, ये देखिए ये शाम का वक्त है, बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश जो है ये भी फॉर्मेलिटी है। बारिश बारिश के नाम पे बूंदाबांदी हो रही है, हवा ज़्यादा चल रही है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जितना भी है कम से कम उतना तो पानी भर जाए। ये पानी भी नहीं गिर रहा है और ये गौशाले में इस वक्त मैं भी भीग रहा हूँ और मेरी गौ माता भी भीग रही है। हम लोग मैं इस बारिश को महसूस करना चाहता हूँ, जो कष्ट गौ माता झेल रही है क्या मैं उस कष्ट को झेल पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ और आज ये कष्ट को महसूस करने के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ। केवल ये कह देना कि मैं गौ सेवक हूँ और मेरे सब कुछ सुरक्षित है, ये गलत है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को समझा जा सके, किया जा सके। ये हैंडपम्प है, ये गंदा पानी देता है, ये वारंटी के अंदर है, अभी इसको 6 महीने 8 महीने भी नहीं हुआ है और ये पानी बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ, रोज़ चलता है। उस दिन इसकी जिसने इसको लगवाया है उसको भी बुलाया गया कि इसको चला के दिखाओ, प्रधान जी के सामने इसको चलाया गया और इतना गंदा पानी आया कि हम जान गौ माता को पिला नहीं सकते। गौ माता लोग खड़ी हैं क्योंकि पूरा बारिश में जो बूंदे हैं, इतनी बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन बूंदे गिर रही हैं, वो भीग रहे हैं, मैं खुद भीग रहा हूँ,
बावजूद इसके भीगने के बावजूद भी हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। इस इतने कष्ट के बीच में ये लोग मंत्र भी सुन रहे हैं। ये देखिए पूरा छत, पूरा छत टूटा हुआ है चारों तरफ से। इस तरीके की क्वालिटी का छत लगा है, ऐसे लग रहा है जैसे सेकेंड हैंड छत लगा हो। तो अवश्य इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए ताकि सही तरीके से इसे कार्य हो सके। बारिश तो नहीं हो रही है, ये केवल छत का पानी है, ऐसा कोई मतलब है नहीं। अगर ये बारिश भारी होती तो समझ में आता, लेकिन बारिश इतनी गति से हो ही नहीं रही कि ये पौधों को सींच सके। ये कुछ लोग बैठे हैं, ये थोड़ी सी जगह सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पे भी हवा इतनी तेज आ रहा है कि पानी यहाँ तक आ रहा है। गोबर था ये भयानक रात जैसी दिख रही है गौशाले पे। रोशनी की कमी है, गौ सेवक अपने इसी तौर से काम चलाते हैं जो उनको दिया गया है। तो जी धन्यवाद, इनको टॉर्च दिया गया है उसी से काम चलाना पड़ता है। इतनी सी रोशनी से ही इनको सारी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। बारिश तो नहीं हो रही है, बिजली कड़क रही है चारों तरफ। ये कोशिश यात रहे खड़ी अंधेरे में। आज 3,000 पौधों का टारगेट हमने पूरा कर लिया है। बारिश की कुछ बूंदें गिरी हैं, लेकिन ये सुरक्षा नहीं दे पाई है। बहुत मोटी बूंदें गिर रही हैं, खूब जोर के बरस जाए इतना कि यहाँ के सारे पौधों को, सबको पानी मिल जाए, लेकिन इतना ही बूंद बरस के रह गया आवाज़ करके। हाँ कि जो सावन मास भय पुरोहिया, जोर से बोलिए, सावन मास भय पुरोहिया, बैल बेच लावा धन गैया, मतलब पहलवा बेच दे, अरे धन गाय ले आवा, अरे वाह वाह, इसलिए बारिश सावन मास में सूखा पड़ा रहा, जब पूरा भरे तो बारिश ना हो, तुम्हें तो आज बारिश नहीं होगी, ये हल्की बारिश होती है, तो मतलब ये छलावा है हमारे लिए, इतना बिजली कड़कना, बारिश, ये पुराने लोगों ने बोले, हम लोगों नहीं बोले, पुराने लोगों ने। मैं तो बहुत खुश हुआ कि बारिश होगी, अभी पछुआ घूम जाए, हाँ अगर पछुआ घूम जाए तो बारिश हो जाए, सारे उम्मीद पे पानी फिर गया, बहुत दुख हुआ जान के कि बारिश ने हमारे साथ इतना बड़ा मजाक कर दिया। हल्का फुल्का बारिश होती रहेगी, हल्के फुल्के कुछ होगा नहीं, सब तरस रहे हैं। क्या होगा,
आंधी आई ना उधर, ये धुआं कैसा है? कोई सुविधा नहीं है।